गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर दीपिका मैम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सोशल स्टडीज की क्लास में चैप्टर 3, जिसका नाम है मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, इसको रीड कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट इस चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं और आपके साथ डिस्कस भी किया है। लास्ट क्लास में हमने डेजर्ट को डिस्कस किया था, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स। रिवर्स मीन्स नदियां। द रिवर्स ऑफ द साउथ आर फेड बाय रेन, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर फ्लोडेड विद वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेनी सीजन। जो साउथ इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका जो साउथ हिस्सा है, इस तरह से जो ये साउथ में इस तरह से वी वाला जो ये पार्ट है, इस एरिया को हम साउथ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रिवर्स हैं उनमें जो पानी है वो रेन के थ्रू आता है। जब बारिश होती है तो बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा होता है उससे ही इन नदियों में पानी होता है। और ये जो नदियाँ हैं जो ये बहती है, यानी कि जब इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, जब ये बहती है तो इस ये क्या टाइम होता है, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर द रेनी सीजन। जब बारिश का मौसम होता है या तो तब इन नदियों में बहुत सारा पानी मिलेगा या फिर बारिश के बाद। मोस्ट रिवर्स सच एज द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। अधिकतर नदियां जो भी हमने नाम रीडिंग किए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी साउथ इंडिया की नदियां हैं जो कि राइज मीन्स निकलती है वेस्ट से। ये हमारा ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये नदियां जो है इस वाले हिस्से से निकलती है, वेस्ट पार्ट से। और इनका जो फ्लो है, यानी कि जो ये बहती है, वो किस तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ईस्टर्न में है बे ऑफ बंगाल, ये जो पूरा समुद्र वाला एरिया है बे ऑफ बंगाल का। दिस इज बिकॉज द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका रीजन क्या है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, इसका स्लोप यानी कि इसका जो ढलान है वो कहां से कहां तक है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट। यानी कि वेस्ट में डेक्कन प्लेट्यू थोड़ा ऊंचा है और इधर फिर थोड़ा नीचे नीचे नीचा हो जाता है, इसलिए नदियां इधर से निकलकर, वेस्ट पाइप से निकलकर ईस्ट की ओर बहती है लगभग सारी नदियां। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इनटू द अरेबियन सी। सिर्फ दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। कौन सी नदी है? नर्मदा और तापी, ये दो नदियां हैं जो कि ईस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि वो निकलती कहाँ से है, ईस्ट से, और बहती है वो वेस्ट की तरफ, ऐसे इनकी डायरेक्शन है, और आकर वो अरेबियन सी में मिल जाती है। सिर्फ दो ही नदियां हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट, देयर आर अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स फाउंड इन द रीजन। यहां पर जो है वाटरफॉल्स भी होते हैं इस एरिया में। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का सबसे हाइएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है द जोग फॉल्स। द जोग फॉल्स जो है वाटरफॉल जो है ये सबसे ऊंचा है, और ये कहां पर होता है, ये सरस्वती रिवर पर पाया जाता है जो कि कर्नाटका में है। द रिवर्स डू नॉट हैव वाटर ऑल ईयर राउंड, डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन द रिवर्स टू स्टोर वाटर। ये जो नदियां होती है इनमें पूरे साल पानी नहीं होता है, और इन पर जो है जो इनका पानी है डैम बनाकर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। डैम्स हेल्प इन इरिगेशन एंड आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। जब रिवर के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं डैम्स में, तो उस पानी को जो डैम्स में इकट्ठा किया गया है उसकी मदद से जितनी भी क्रॉप्स वगैरह है उनकी इरिगेशन मीन्स सिंचाई की जाती है, और
बिजली बनाने के लिए भी उसको यूज किया जाता है। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर कृष्णा। एक डैम का नेम है नागार्जुन सागर डैम, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ये था हमारा चैप्टर मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन एरिया, डेजर्ट और रिवर्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया। कुछ टॉपिक के बारे में काफी ज्यादा हमने डिस्कस किया और कुछ थोड़ा कम, लेकिन जितना भी हमने किया वो आपके लिए इनफ था। अब आपको क्या करना है, जो हमारे बॉक्स है, जो समरी है हमारे चैप्टर की, इसको आप रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप गूगल मीट क्लास में, यानी कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास में है, उसमें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बुक वर्क है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जो है इस चैप्टर का जो बुक वर्क है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और पेंसिल से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के बुक वर्क के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।